वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद, और क्योंकि अभी मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पे, अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाला है। तो आप सब लोग सोचोगे मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो क्यों नहीं डाला, तो वो इस वीडियो इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अभी ना, जैसे कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है। तो एग्ज़ाम का सीज़न, जैसे समर का सीज़न होता है, विंटर का सीज़न होता है, तो उसी टाइप से ना एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है। तो मेरे भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो इसीलिए अभी तक मैंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट किया और कुछ भी नहीं किया। तो बस अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो आज से मैंने अपने वीडियो अपने चैनल पर वापस आना वीडियो डालना चालू करने वाली हूँ। तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, और वो क्यों जा रहे हैं वो आपको मैं बताऊँगी, क्योंकि एक तो अभी मेरी मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी मुझे ना घूमना भी था, तो क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में अभी बहुत टाइम से कहीं गई नहीं थी, तो अभी इसलिए हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, वहाँ पर घूमेंगे, इन्जॉय करेंगे। और अभी हम लोग दोपहर में जाएंगे, अभी 12:30 बजे है और हम लोगों की 2 बजे की बस है। पहले सोचा था ट्रेन से जाएंगे, पर ट्रेन से फिर कैंसिल कर दिया प्लान, और अब हम लोग बस से जाएंगे और 2 बजे की बस है, तो 2 बजे तक हम लोगों को निकलना है, 2 या 2:30 की है, तो मुझे करेक्ट टाइम पता नहीं है। तो अभी हम लोगों को तैयार होना है, मैं और दीदी जाएंगे, बस हम ही दोनों जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जा रहा, और कैंडी भी नहीं जाएगी। तो अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, तो अभी मुझे रेडी होना है और फिर मैं मिलूँगी आपको रेडी होने के बाद। तो अभी हम लोग बस में बैठ रहे थे, और ये बस काफ़ी देर से खड़ी थी यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा गर्म थी, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बस अभी खड़ी थी क्योंकि ये अभी चल भी नहीं रही थी, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद हम लोग निकल गए लखनऊ के लिए, और जब बस चली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, काफ़ी देर से धूप में खड़ी थी बस, तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, बट मैंने जब फ्रंट कैमरे से बोलना चालू किया, तो बस में इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, इतना ज़्यादा, कभी हॉर्न का था तो कभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इसीलिए फ्रंट कैमरे से नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसमें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी और आप लोगों को शायद सुनाई भी ना देता और समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में इसमें वॉइस ओवर कर दूँगी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बस में।
तो गाइज अभी हम लोग रूम पे पहुंच गए और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और फिर मैं मिलूंगी आपसे खाना खाने के बाद। तो गाइज हमारे पास अभी खाने में है रोटी, चावल और सब्जी, सिंपल सा खाना है। और अभी इसको खाते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं और अभी हम लोगों को तैयार भी होने, तो अभी रेडी होंगे, फ्रेश होंगे और उससे पहले चाय पियेंगे। तो अभी जब रेडी हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको अपना रूम टूर दिखाऊंगी और फिर देखते हैं उसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। और दीदी तो जाएगी पेपर देने, तनु दीदी उसका पेपर है तो वो पेपर देने जाएगी और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दीदी को कॉलेज छोड़ने, जहाँ पे उसका एग्ज़ाम था। तो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग छोड़ देते हैं और उसी उस कॉलेज में उसका एग्ज़ाम था, तो वहीं पे हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद हम दोनों लोग मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किए और थोड़ा बहुत मैंने शूट किया और फिर उसके बाद दर्शन किए, उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग मंदिर से दर्शन करके निकल गए। अभी हम लोगों ने दीदी को कॉलेज छोड़ दिया और उसके बाद हम लोग निकल गए मॉल के लिए और उसमें हम लोग अभी आधे टाइम मॉल में घूमेंगे और उसके बाद दीदी भी वहाँ पर आ जाएगी। और हम लोग मॉल में पहुँच गए और ये इतना ज़्यादा बड़ा मॉल था और काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे जो सामने दो डियर रखे तो ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे थे। अभी मॉर्निंग थी तो इसलिए ये जल नहीं रही, इसमें लाइटिंग है तो वो जल नहीं रही थी, बट जब इवनिंग होती है तब ये लाइटें जब जलती है तो ये बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। तो बस हम लोग फिर मॉल में गए और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो मुझे अच्छा लग रहा था वो सब मैंने शूट किया। और यहाँ पे जब हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्त सी चीज़ थी। यहाँ पे ये आइस थीम बना हुआ था, बट ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये जब मैं गई थी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ये अभी अधूरा ही था, तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो इसके अंदर मैं नहीं जा पाई, वरना इसके अंदर जाके भी मैं वीडियो बनाती। तो गाइज अभी हम लोग मॉल में आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा थके हैं और अभी 11:30 बज चुका है सुबह का और अभी दीदी पेपर ख़त्म करने के बाद वो भी यहाँ पे आएगी और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं। और अभी मैं आपको पूरा मॉल घुमाने वाली हूँ। तो गाइज अभी हम लोग मॉल में ही हैं और अभी मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ, मैंने आज क्या पहना है। हम लोग मॉल में घूमे और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी की, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ की फेमस मार्केट मीना बाग। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि लखनऊ की ये मार्केट सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो
बस हम लोग उस मार्केट के लिए निकल गए, और वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान लिया, जो शॉपिंग वगैरह करनी थी वो की हम लोगों ने। और यहाँ पे ड्रेसेस थी, वो इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की। और फिर उसके बाद हम लोग, और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग थे, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी वो। और ये सामने ड्रेसेस इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे मन कर रहा था सारी ड्रेसेस ले लूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, और बहुत ही अच्छी, काफ़ी अच्छी मार्केट थी, तो काफ़ी मज़ा आया। और पूरी मार्केट में हम लोगों ने पैदल, सब लोग पैदल ही चल के देख रहे थे, घूम रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पर लोग इतने ज़्यादा थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, बट मज़ा आया मार्केट में। फिर मार्केट में शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए वापस अपने रूम पर। तो गाइस अभी हम लोग होटल में पहुंच गए और अब जा रहे हैं अपने रूम पे, और काफी ज्यादा थक चुके हैं तीनों लोग, बहुत गर्मी है। तो गाइस रूम पे पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा पसीना आ रहा है, और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको अपना रूम टूर दिखाती हूँ, और बहुत गर्मी हो चुकी है। तो गाइस ये रहा हमारा रूम, इस साइड बेड और इस साइड खाना खाने के लिए टेबल पड़ी है, और इस साइड भी एक टेबल है अगर कोई काम आम हो तो वो करने के लिए। ये तब ये पूरा रूम है, और अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रूम का सबसे बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे जो मिरर लगा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, और यही पूरा मेरा रूम था जो मैंने आपको दिखा दिया। और ये कवर्ड रखी थी, इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा था, बस हम ही लोगों का बैग वगैरह था, और ये पूरा रूम मैंने आपको दिखा दिया, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरा रूम। तो यही पूरा मेरा हम लोगों का रूम है।